गाइस, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, हमारा ब्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, नीरज ऑफिस चला गया है। कुहू, इसका नाम क्या है? ये डॉल का नाम क्या है? रिगो नानू। नानू नानू नहीं, नानू नहीं। हेलो गाइस, हेलो गाइस। 3 बज गए हैं और मैं भी सो गई थी, कू भी सो गई थी। और मैं सो के उठ के 2 बजे आई थी। उसके बाद मैंने अपना लंच किया, देन उसके बाद मैंने थोड़ा एडिटिंग किया और वो अभी थोड़ी देर पहले उठी है, उसको मैं लंच करा रही ले जा रही हूँ। इसका लंच है अभी, सुबह उसने रोटी खाई थी सॉस के साथ, अभी इसके लिए मैंने खिचड़ी बनाई है, वो खाएगी। देन अभी वो कुछ चिकनी भी खा रही, क्या बोलते हैं इसको बताना ज़रूर, ये चिकनी क्या बोलते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र में मिलती है। इसकी मनपसंद का लगाना पड़ता है, ये जो बोलेगी वही लगाना पड़ता है। अगर मैं टीवी में देख लूंगी तो इसको मोबाइल में चाहिए बिना। अब इसकी बहुत ज़्यादा मतलब स्क्रीन टाइम इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा टीवी देख ली। वो तुम डिनर में भिंडी की सब्जी बनेगी, काटते हैं साथ में। भिंडी की सब्जी बनाऊंगी तो भिंडी को हम गोल गोल कटेंगे। कैसे? जैसे भिंडी है इसके आगे पीछे का काट लिया ऐसे, और थोड़ी मोटी काटनी है इतना। तो ये देखिए गाइस, भिंडी की सब्जी बन गई है और इससे ज़्यादा पकाना नहीं है, ठीक है? गैस बंद कर देते हैं हम। ये पक गई है, इसमें टमाटर मैंने ऊपर से ही डाल दिए थे, भिंडी डालने के बाद फिर भी पक गई टमाटर। कू सो गई यार, कू बेबी सो गई, कू बेबी सो गया, सो गया। नो नहीं सोया कू बेबी, क्या कर रहा है कू बेबी? कू बेबी क्या कर रहा है? कू बेबी क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? डॉल के साथ, मंकी के साथ सो गया, तीनों के साथ। अरे नाटक कर रहा, नाटक कर रहा, अरे नाटक करी, नाटक करी, अरे नाटक करी, नाटक करी। कू क्रेस की मस्ती, ये मस्ती के नजारों के नन 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 नन। कू नाच कर दे, डांस कर दो। हे मधु के भली मुखड़ी तेरी, के भला बुलाना कदू भली अखी तेरी, के भला हिसना। हे मधु सुर मैली अखी तेरी, घुंघराल बाला हसली हिटणी तेरी, हिरन छचला बाणी ठाणी बरंगन। तू झंझाए बजारा, जुलम है जालो, जुलम है जालो। हे मधु सॉन्ग किस किसने सुना है? हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कू सबको बोलो सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू प्लीज। कू की रिक्वेस्ट सुन लो। मैं सोच रही थी आपसे, मैं आपको बता दूं कि आज से मैं कू को जब छोड़ने जाऊंगी शाम में, तो मैं अपना
वॉक भी स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा बहुत वेट लॉस करने के लिए थोड़ा कुछ करना स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। बहुत टाइम हो गया वेट लूज ही नहीं हो रहा है, घर पे बैठे बैठे तो होगा भी नहीं, कुछ करना पड़ेगा। नीरज भी मुझे कब से बोल रहा है वेट लॉस करो वेट लॉस करो। मैंने अपने देवर की शादी के टाइम भी 2 मंथ जिम ज्वाइन किया था, पर 2 मंथ में कितने टाइम तो मैं जाती ही नहीं थी। आलस मतलब कुछ भी कह सकते हो आप, मन ही नहीं करता था जाने का। तो थोड़ा बहुत उस टाइम किया था जिम वगैरह, तो उससे थोड़ा बहुत दिख रहा था सर, बट फिर से वही हो गया है। तो मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ अपनी वॉक वगैरह। शाम को 1 घंटा वॉक करूँगी और फिर साथ में कू को ले आऊँगी और अपना रात का डिनर का तैयारी करके जाऊँगी, तो जिससे मुझे बाद में आके थोड़ा वो ना लगे कि अरे यार खाना भी बनाना है, सब्जी बनानी, तो सब घर पे प्रिपेयर करके जाऊँगी। फिलहाल तो मैं आम खाने जा रही हूँ, मिलती आम खा के आपसे। तो गाइस मैं आ गई हूँ इवनिंग वॉक पे। बहुत चढ़ाई है यहाँ पे, थक जाती हूँ बहुत जल्दी। बोलते हैं टाइगर रहते हैं। तो 1 राउंड लगा लिया है मैंने, बड़ी धूप गर्मी है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे खाई है। यहाँ से बोलते हैं टाइगर वगैरह आता है, बहुत से लोगों ने बताया मुझे सोसाइटी में टाइगर घूमते हैं करके। ये देखो वैनिटी वैन। तो गाइस ये जो होटल है ये परमानेंट रूममेट्स में शूट हुआ है, यहाँ पे परमानेंट रूममेट शूट हुआ है। इस होटल का सीन है, जिस एरिया में वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, शूटिंग बहुत जगह हुई है जहाँ मैं रहती हूँ। गाइस रात के अभी 2:30 बजने वाले हैं, मैं जा रही हूँ सोने, हम लोग सो रहे हैं और ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।